बॉलीवुड के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के पास भी अपनी एक मधुबाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दृष्टि धामी की, जिन्होंने कलर्स के शो मधुबाला में भोली भाली मधुबाला का किरदार निभाकर लोगों के दिलों को जीता और अपने किरदार के साथ लोगों के दिलों में बस गई थी। इसलिए तो आज जब शो टीवी पर नहीं आ रहा, पर आज भी लोग इन्हें इनके किरदार के साथ याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके पति और बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके पति और बेटों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल मधुबाला में मधुबाला का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दृष्टि धामी का जन्म 10 जनवरी 1985 को मुंबई में हुआ, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट हुई। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने साल 2002 में सीरियल दिल मिल गए से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने गीत हुई सबसे पराई, परदेश में है मेरा दिल और एक था राजा एक थी रानी जैसे कई और सीरियल्स में काम किया। वहीं आखिरी बार ये सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में अभिनय करती दिखाई दी थी। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के पति और बच्चों के बारे में, तो इनके पति का नाम है नीरज खेमका, जो कि एक NRI बिजनेसमैन है और अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है। बात करें दोनों की लव स्टोरी के बारे में, तो दोनों की पहली मुलाकात सुहासी धामी ने करवाई थी, जो कि दृष्टि की दोस्त है और नीरज की बहन। उसी पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और कुछ दिनों बाद नीरज ने इन्हें प्रपोज कर दिया। इन्होंने भी इस प्रपोजल में अपने दिल की बात कह डाली, जिसके बाद दोनों ने करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया और बाद में 21 फरवरी 2015 को शादी कर ली। वर्तमान में दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं और आज भी दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, पर अभी तक दोनों का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, बीते कुछ समय पहले खबरें आई थी कि दृष्टि अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, पर इन्होंने इस बात को केवल एक रूमर बताया, जिसके बाद इन्होंने अपनी एक फ्रेंड की बेटी के साथ उनके बर्थडे पर एक तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर के शेयर करने के बाद सभी ने इन्हें एडवाइस भी दी कि अब इन्हें मम्मी बन जाना चाहिए, पर इनका कहना है कि ये मम्मी जरूर बनेंगे पर अभी नहीं, अभी इसमें बहुत टाइम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब दृष्टि को भी मम्मी बन जाना चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।